हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हेमा। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ विटामिन ई ऑयल स्किन ट्रीटमेंट। और मैं आपको बता दूँ कि विटामिन ई ऑयल हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और विटामिन ई ऑयल से हमारे स्किन पे जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपके फेस पे दाग धब्बे हो गए, या फिर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, या फिर आपके फेस पे रिंकल्स की प्रॉब्लम है, या फिर आपको सन टैन की प्रॉब्लम है, चाहे जितने भी आपके फेस पे प्रॉब्लम है, तो विटामिन ई कैप्सूल एक ऐसा कैप्सूल है कि आपकी सारी प्रॉब्लम को ये जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। और आपके फेस जो डल हो गया है, आपका फेस जो डल है, दाग धब्बे हैं, या फिर आपके फेस पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसको लगाने के बाद आपके फेस पे बहुत ही अच्छा निखार आएगा। और आपके फेस पे दाग धब्बे, एक्ने, पिंपल्स, झाइयाँ की प्रॉब्लम को ये धीरे धीरे लाइट करेगा, और लाइट करने के बाद ये जड़ से निकाल फेंकेगा। आपने इसको कभी भी यूज़ नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार विटामिन ए कैप्सूल ज़रूर यूज़ कीजिए। अब इसके हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है। इसके हमारे फेस के लिए बेनिफिट्स तो है, और ये हमारे हेयर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा काम करती है। अगर आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा लॉस होते हैं, या फिर आपके हेयर बहुत ज़्यादा बेजान हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा हेयरफॉल आपका होता है, तो यकीन मानिए विटामिन ई कैप्सूल को आप जो ऑयल बालों में लगाते हो उसके साथ में एक से दो विटामिन ऑयल कैप्सूल को उसमें ऐड करके उसको अच्छे से मिला के फिर आप अपने बालों में लगाओगे, तो आप बालों की जो ग्रोथ है और आपके बाल जो हेयरफॉल हो रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और आपके आपके हेयर की ग्रोथ बहुत ही जल्दी से होने लगेगी, और बहुत ही अच्छा आपको ये रिजल्ट भी देगी। अपने स्किन के बेनिफिट्स विटामिन ई कैप्सूल से चाहते हो तो विटामिन ई कैप्सूल को आपको रेगुलर तरीके से लगाना होगा। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये पूरी तरह से नेचुरली है, ये मैंने आजमाया है, उसके बाद ही मैं आपके साथ में इसको शेयर कर रही हूँ। इसके बहुत ही गजब के बेनिफिट्स है, और अभी विंटर सीजन चल रहा है तो उसे दो विटामिन ई ऑयल की कैप्सूल को कट कर लीजिए, और कट करने के बाद फिर अपने फेस पे इसको मसाज कीजिए। एक से दो वीक में आपको ये बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा, और आपके फेस पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इसको ये धीरे धीरे रिमूव कर देगा। चलिए आज मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि विटामिन ई कैप्सूल को हमारे फेस पे अप्लाई कैसे करना है और इसकी मसाज कैसे करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेनी है विटामिन ई ऑयल की कैप्सूल। ये किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हो। ज़्यादा ये कॉस्टली भी नहीं आपको पड़ता है, इसकी कीमत 35 रुपीज़ है। 35 रुपीज़ में आपको 10 कैप्सूल बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें लेनी है विटामिन ई ऑयल की कैप्सूल। ये देखिए, यहाँ पर मैंने विटामिन ई ऑयल की कैप्सूल ली है। देखिए, मैंने यहाँ पर विटामिन ई ऑयल की कैप्सूल ली है। उसके बाद इसको हमें ऐसे कट कर लेना है। तो देखिए, इसको हमने कट कर लिया है। उसके बाद इसका जो ऑयल निकलता है उसको हमें अपने हाथों पे ले लेना है, और उसके बाद दोनों हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिलाना है, और मिलाने के बाद फिर हमारे फेस पे इसको अप्लाई करना है। तो देखिए, आपने अगर ऐसे ही रोज़ रात को इसको यूज़ किया तो आपके फेस पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम से आपको बहुत ही जल्द छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको अकेले इसको अप्लाई नहीं करना है तो आपको क्या करना है कि अंदर एलोवेरा जेल मिला लेना है, और उसके बाद विटामिन ई कैप्सूल को मिलाना है। तो दोनों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद भी आप अपने फेस पे मसाज कर सकते हो। आप कभी भी अपने फेस के लिए विटामिन ई कैप्सूल लगाना चाहते हो तो आप इसको नाइट में ही लगाइए, क्योंकि नाइट में इसका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है, और नाइट में ये हमारे फेस पे बहुत ही अच्छा वर्क भी करता है। इसी तरह से आपको विटामिन ई कैप्सूल को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, और उसके बाद आपको चाहो तो आप इसकी 1 से 2 सेकंड तक मसाज कर सकते हो। यहाँ पर हमारे आइस के पास बहुत ही जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं, तो हमारे आइस के पास इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसे ही मसाज करनी है।
क्योंकि हमारे आइज के पास बहुत ही जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं, तो इसको रिंकल्स को दूर करने के लिए आप रेगुलर विटामिन ई कैप्सूल से अपने फेस की मसाज करते हैं तो धीरे धीरे ये रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से आपको अपने आइज के पास मसाज करनी है कि हमारी मसाज हो गई है। अब इसको हमें पूरे ओवरनाइट तक छोड़ देना है। ये थे विटामिन ई कैप्सूल के कुछ बेनिफिट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।